साल 1963, एक तरफ सारी दुनिया नए साल का स्वागत करने में व्यस्त थी तो दूसरी तरफ इजराइल की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद एक सीक्रेट कोविड ऑपरेशन प्लान करने में व्यस्त थी। चारों तरफ दुश्मनों से घिरा इजराइल अपने राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। जब सारी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, उस वक्त मोसाद के चीफ मीर एमिट इजराइल की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्य से रशियन फाइटर प्लेन MiG-21 चुराने का प्लान बना रहे थे। इजराइल के एयरफोर्स चीफ एजर वाइसमैन ने बहुत साफ शब्दों में मोसाद चीफ को कह दिया था कि अगर मोसाद इजराइल और अपने सिटीजन की सेफ्टी चाहता है तो किसी भी कीमत पर MiG-21 लेकर आए। मोसाद के चीफ ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि रशिया किसी भी कीमत पर MiG-21 अपने मित्र देश के अलावा और किसी को नहीं देता। ऐसी सूरत में MiG-21 लाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर ले, ये मुझे मोटिवेट करेगा। 16 जून 1955 को रशिया ने अपना सुपरसोनिक MiG-21 फाइटर प्लेन को उड़ाकर दुनिया के होश उड़ा दी। MiG-21 उस समय का जबरदस्त मॉडर्न सेकंड जनरेशन फाइटर जेट था। रशिया MiG-21 सिर्फ अपने मित्र देशों के अलावा कुछ अरब देशों को बेहद ही कड़े शर्तों के साथ भेजा था। रशिया का MiG-21 को लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल साफ था कि उनके मित्र देश MiG-21 का स्पेसिफिकेशंस को किसी भी कीमत पर अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न कंट्री या उसके अलाइड कंट्रीज के साथ कभी शेयर नहीं करेंगे और ना ही किसी भी कीमत पर डिफेंस एक्सपर्ट को MiG-21 दिखाएंगे और ना ही MiG-21 जेट फाइटर प्लेन को फ्लाई करने का परमिशन देंगे। मोसाद बहुत अच्छे से जानता था कि रशिया किसी भी कीमत पर MiG-21 इजराइल को नहीं बेचेगा। दूसरी तरफ अरब देशों को रशिया ने ऑलरेडी MiG-21 फाइटर जेट प्रोवाइड करवा दिया था। दुश्मनों के पास MiG-21 हो तो मोसाद कैसे शांत बैठ सकता था। अपने देश की सुरक्षा के लिए फाइनली मोसाद के चीफ मीर एमिट MiG-21 चुराने का प्लान करते हैं और ऑपरेशन डायमंड को अप्रूव कर देते हैं। ऑपरेशन डायमंड के लिए मोसाद ने अपने सबसे खतरनाक इंटेलिजेंट एजेंट जीन थॉमस 118 को इजिप्ट भेजता है। रशिया ने इजिप्ट को भी MiG-21 बेचा था। जीन थॉमस का काम था इजिप्ट जाकर किसी भी तरीके से छल बल और धन जैसे भी हो MiG-21 लेकर इजराइल आना। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए जीन थॉमस इजिप्ट पहुंचता है और अपने मिशन में लग जाता है। इजिप्ट एयरफोर्स में MiG-21 उड़ाने वाले स्क्वाड्रन लीडर का लिस्ट तैयार करता है और मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। अपने मिशन में मशगूल जीन थॉमस फाइनली इजिप्ट के एक MiG-21 फाइटर जेट के पायलट के साथ दोस्ती करने में सफल हो जाते हैं। दोनों की दोस्ती समय के साथ परवान चढ़ने लगती है। जीन थॉमस एक दिन मौका देखकर अपने पायलट दोस्त को अपना ऑफर बताता है। उसे कहता है कि उसे सिर्फ एक छोटा सा काम इजराइल गवर्नमेंट के लिए करना है। इसके बदले में इजराइल गवर्नमेंट उसे $1 million पे करेगी और साथ में इजराइल सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करेगी और प्रोटेक्शन भी देगी। बस उसे यही काम करना है कि MiG-21 को उड़ाकर इजराइल की सीमा के अंदर एंटर कर देना है। जीन थॉमस से यहां पर जल्दीबाजी हो जाती है। उन्हें लगा कि मिस्र का MiG-21 फाइटर जेट का पायलट उनकी बात मान लेगा, परंतु पायलट ने सारी कहानी अपने सीनियर को बता दिया और गेम प्लान उल्टा हो गया। इजिप्ट आर्मी जीन थॉमस को अरेस्ट कर लेती है और जासूसी के अपराध में दिसंबर 1962 को जीन थॉमस को फांसी की सजा दे देती है। इसके साथ ही मोसाद का MiG-21 चुराने का फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है। मोसाद दुनिया का सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है।
कहते हैं कि मोसाद अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो खोज निकालता है और उसे मार डालता है। मोसाद चीफ मीर अहमद हिम्मत नहीं हारते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन डायमंड जारी रहेगा। अपने मिशन को कामयाब करने के लिए मोसाद अब इराक देश को चुनता है। रशिया ने MiG-21 इराक को भी बेचा था। मोसाद के एजेंट बगदाद पहुंचते हैं और मिशन में जुट जाते हैं। MiG-21 के पायलट्स को हनी ट्रैप किया जाता है और उन्हें मिशन के लिए रेडी किया जाता है, परंतु मिशन के एक दिन पहले ही दोनों पायलट डर जाते हैं और मिशन एक बार फिर फेल हो जाता है। मोसाद मिशन लीक ना हो इसके लिए दोनों पायलट को मौत के घाट उतार देता है। मोसाद के चीफ मीर अहमद अभी भी कॉन्फिडेंट थे और मिशन को बंद करने के मूड में कतई नहीं थे। उन्होंने साफ शब्दों में इंस्ट्रक्शंस दे दिया था, MiG-21 किसी भी कीमत पर चाहिए। साल 1964 अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जॉन एफ कैनेडी को लैंडस्लाइड विक्ट्री प्राप्त होती है, तो दूसरी तरफ मोसाद को अपने मिशन से जुड़ा एक अच्छा खबर मिलता है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास में एक कर्मचारी काम करता था। यहूदी था और इजराइल के लिए कुछ करना चाहता था। इजरायली दूतावास का यह कर्मचारी एक दिन अपने सीनियर को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त का क्रिश्चियन हस्बैंड इराकी एयरफोर्स में एलिट क्लास पायलट है और MiG-21 ही उड़ाता है। यह बात जब एम्बेसी के थ्रू मोसाद तक पहुंचती है तो मिशन को फिर से रीएक्टिवेट किया जाता है। मोसाद अब अपने कदम को बहुत फूंक फूंक कर रख रही थी। अपने मिशन को आगे बढ़ने से पहले वो इराकी पायलट का डिटेल खंगालना चाहती थी। वो यह जानना चाहती थी कि इजरायली दूतावास का कर्मचारी सच बोल भी रहा है या नहीं। फाइनली जब रिपोर्ट सामने आता है तो कर्मचारी द्वारा बताए गए सारे डिटेल्स मैच कर जाते हैं। मोसाद को अपने इन्वेस्टिगेशन से यह भी जानकारी मिलती है कि इराकी पायलट अपने गवर्नमेंट से खासा नाराज भी चल रहा था, क्योंकि वह एक स्क्वाडन लीडर था, इसलिए गवर्नमेंट उसे कुर्दिश ट्राइबल पर बॉम्बिंग मिशन पे लगा रखी थी। उसे निहत्ते कुर्दिश ट्राइबल पर एयर स्ट्राइक करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। इस कारण से वो हर दिन चाहता था कि वो एयरफोर्स को छोड़ दे। दूसरी तरफ उसकी पोस्टिंग बगदाद से काफी दूर थी, जिसके कारण उसे अपने फैमिली से भी दूर रहना पड़ता था। चूंकि वह एक क्रिश्चियन पायलट था, इसके कारण उसके साथ भी काफी भेदभाव होता था। इन्हीं सभी कारणों से वह इराकी गवर्नमेंट से काफी नाराज चल रहा था। इस इराकी पायलट का नाम था मुनीर रेडफा। सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाने के बाद मोसाद अब अपने प्लान को ट्रिगर करता है और अमेरिका में तैनात अपने लेडी स्पाई आयशा को बगदाद भेजता है। इस लेडी स्पाई का काम था मुनीर रेडफा को इराकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट और प्रोवोक करना और उसे अपने मिशन के लिए रेडी करना। मोसाद के लेडी एजेंट अमेरिका से बगदाद टूरिस्ट वीजा पर पहुंचती है और बगदाद पहुंचते ही अपने मिशन में लग जाती है। वो मुनीर रेडफा से दोस्ती करती है और उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर देती है। मोसाद की लेडी एजेंट अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। लेडी एजेंट और मुनीर रेडफा के बीच दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। अब दोनों साथ साथ यूएस, यूरोप और रोम घूमना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच दोस्ती काफी दोस्ताना हो जाती है और मुनीर रेडफा अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने दुख, अपने गवर्नमेंट के प्रति उसका गुस्सा सब कुछ खुलकर अपने लेडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना शुरू कर देता है। मोसाद हेडक्वार्टर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही लेडी एजेंट ने इसराइल का प्रपोजल मुनीर रेडफा को शेयर कर दिया। वो मुनीर रेडफा को बताती है कि अगर वो इसराइल गवर्नमेंट का प्रपोजल मान लेता है तो इसराइल गवर्नमेंट उसे $1 million देगी, साथ में लाइफ टाइम प्रोटेक्शन और इसराइली सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करेगी। इसके बदले में उसे सिर्फ एक काम करना है कि उसे MiG-21 फ्लाई करके इसराइल के एयर स्पेस में इंटर कर देना है। मुनीर रेडफा प्रपोजल को सुनता है और चुप हो जाता है, लेकिन थोड़े ही देर में मुनीर रेडफा बोलता है कि डील अच्छा है परंतु बहुत ही खतरनाक है। मुनीर रेडफा को बहुत अच्छे से पता था कि इराक से MiG-21 उड़ाकर इसराइल ले जाना आसान काम नहीं था, क्योंकि रशिया ने फ्यूल क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्टेड कर रखा था। बगदाद से इसराइल की दूरी 900 किलोमीटर थी। इतनी दूर MiG-21 उड़ाकर ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रशिया फ्यूल की क्वांटिटी देश के क्षेत्रफल के हिसाब से
लिमिटेड कर रखा था ताकि लंबी दूरी की फ्लाई को रेस्ट्रिक्टेड कर सके और MiG-21 दुश्मन देश के हाथ न लगे। मुनीर रेडफा बहुत सोचता है और फाइनली ऑफर पर रेडी हो जाता है, बट कुछ शर्तों के साथ। उसका शर्त था सिर्फ उसकी फैमिली ही नहीं बल्कि उनके सभी रिलेटिव्स को इजराइल में नागरिकता दी जाए। मोसाद इसके लिए राजी हो जाता है। मोसाद को इस प्लान में एक चैलेंज नजर आता है। उसे लगता है कि एक साथ पूरी फैमिली को इराक से बाहर निकालना बहुत खतरनाक होगा। ऐसा प्लान इराकी इंटेलिजेंस एजेंसी को अलर्ट करने जैसा होगा क्योंकि मुनीर रेडफा एक MiG-21 का एलिट पायलट था और हर कंट्री अपने टॉप ऑफिसर्स को सर्विलांस पे रखती है। मोसाद अपने मिशन को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक प्लान चौकआउट करता है। वह पहले मुनीर रेडफा के फैमिली को टूरिस्ट वीजा पर और उनके माँ बाप को मेडिकल वीजा पर इराक से बाहर निकालता है ताकि इराकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कोई शक ना हो। अब मुनीर रेडफा अकेले इराक में रह जाते हैं। मुनीर रेडफा की सीक्रेट मीटिंग इसराइल एयरफोर्स चीफ से मोसाद करवाती है। इस मीटिंग में इसराइल एयरफोर्स चीफ मुनीर रेडफा को फ्लाइट रूट डिस्कस करते हैं और उनको बताते हैं कि वो कैसे MiG-21 लेकर इसराइल एयरफोर्स की मदद से इसराइल के एयर स्पेस में एंटर करेंगे। 16 दिसंबर 1966 ऑपरेशन डायमंड को एग्जीक्यूट करने का डेट फाइनल होता है। 16 दिसंबर 1966 के दोपहर 1 बजे मुनीर रेडफा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचते हैं। मुनीर रेडफा ग्राउंड स्टाफ को बोलते हैं कि आज टैंक फुल कर दूं। इस पर ग्राउंड स्टाफ बोलता है कि सर रेस्ट्रिक्शन है, रशियन ने लिमिट लगा रखा है और हुक्म दे रखा है कि टैंक को फुल नहीं करना है। इस पर मुनीर रेडफा ग्राउंड स्टाफ को प्रोवोक करते हैं और कहते हैं, क्या तुम इराकी होकर रशियन का ऑर्डर मानते हो? हम लोग इराकी हैं और मैं तुम्हारा कमांडर हूँ। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज टैंक फुल कर दूँ। इस बात पर ग्राउंड स्टाफ को जोश आ जाता है और जोश में आकर वह टैंक फुल कर देता है। मुनीर रेडफा तय वक्त पर MiG-21 लेकर ट्रेनिंग रूट पर निकल जाते हैं। हर पायलट को ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान रूट दी जाती है और पायलट को एलोकेटेड रूट पर ही उड़ान भरना रहता है। पायलट रूट चेंज नहीं कर सकते थे। रूट चेंज करते ही वार्निंग मैसेज आने लगता है कि आप रूट से भटक गए हैं और रूट पर वापस आ जाइए। मुनीर रेडफा MiG-21 लेकर पहले रूट प्लान के हिसाब से उड़ान भरते हैं पर थोड़ी देर बाद अपना रूट चेंज कर लेते हैं। रूट चेंज करते ही वार्निंग आती है, रूट पर वापस आइए नहीं तो प्लेन को फोर्सफुली लैंड करा दी जाएगी। मुनीर रेडियो फ्रिक्वेंसी बंद कर देते हैं और अपने रूट पर आगे निकल जाते हैं। इराक से निकलने के बाद मुनीर अब जॉर्डन की एयर स्पेस में इंटर कर जाते हैं। जॉर्डन की एयर स्पेस में इंटर करते ही मुनीर का MiG-21 जॉर्डन के रडार पर आ जाता है। जॉर्डन के एयर स्टेशन से मुनीर को वार्निंग मैसेज भेजी जाती है। प्लान के हिसाब से मोसाद तब तक सीरिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हैक कर लेता है। सीरिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मोसाद जॉर्डन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजता है कि यह एक रूटीन फ्लाइट है और ट्रेनिंग के दौरान भटक गया है, कृपया इसे अपना एयर स्पेस यूज करने दें। जॉर्डन मुनीर रेडफा को अपना एयर स्पेस यूज करने देता है। जॉर्डन को क्रॉस करके मुनीर रेडफा सीरिया के एयर स्पेस में इंटर करते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से सीरिया के एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाते हैं। सीरिया के एयर स्पेस को क्रॉस करने के बाद इसराइल के 2 फाइटर जेट मुनीर रेडफा को कवर देते हैं और रात में मुनीर रेडफा इसराइल में MiG-21 को सक्सेसफुली लैंड करवा देते हैं। जैसे ही मोसाद के चीफ मीर एमिट को यह बात पता चलती है कि MiG-21 इसराइल में सक्सेसफुली लैंड हो गया है तो उनके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। MiG-21 को हासिल करने के बाद इसराइल अपने ट्रेनिंग पायलट को बुलाता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके MiG-21 को स्टडी करो और इसके सारे राज को डिकोड कर दो। रशिया की धमकी के बाद इसराइल MiG-21 US को दे देता है। मोसाद के जिद और जुनून के चलते ही उसे दुनिया का सबसे खतरनाक
इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। यह मोसाद का ही जिद था कि उसे MiG-21 अपने देश की सुरक्षा के लिए चाहिए और अपने जिद और जुनून के चलते वो किसी भी कीमत पर MiG-21 हासिल कर ही दम लेता है।